और अगर आप लड़की है तो इसे अपने तरीके से देखें स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के इंटेंशन टू इंटेंशन योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके पार्टनर इस कनेक्शन में इस वक्त क्या इंटेंशन रख रहे हैं स्नो कांटेक्ट में आप लोग की जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको hmm. आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं ठीक है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है ये पर्सन बहुत ज्यादा बिजी रहता है ठीक है अब ये वर्क भी हो सकता है काम भी हो सकता है ये पर्सन आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे ठीक है है जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं और वेट भी कर रहा है आपके मैसेज का बहुत टाइम से आपके पर्सन वेट भी कर रहे हैं आपके मैसेज का आप मैसेज नहीं कर रहे तो आपके पर्सन चाह रहे हैं खुद अपनी तरफ से कोई अप्रोच अपनी तरफ से कोई कॉन्टेक्ट मतलब कि कोई आपसे मैसेज या टेक्स्ट कर दे ठीक है लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा बिजी भी रहता है लेकिन ये कंफ्यूज है ड्रीम कर रहा है आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है लेकिन मैसेज नहीं कर रहा है कि आप खुद कर दें ठीक है किसी भी तरीके से आप खुद इस पर्सन से कॉन्टेक्ट में आ जाए आप गलती से कर दें किसी भी तरीके से कर दें लेकिन आप खुद कनेक्ट हो जाए ठीक है क्योंकि एक कुछ गलती इस पर्सन की खुद की हो सकती है ये चाह रहा है कि आपका यहाँ पे आपका मैसेज आ जाए ठीक है आप यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ पर कांटेक्ट कर लें इस पर्सन से

आप लोग के बीच जो भी हुआ है एक रिलेशनशिप में या तो ब्रेक आया है सेपरेशन आया है या यहाँ पर आपका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से कहीं स्टक है दी हैंगमैन आपके पर्सन खुद को बहुत ज्यादा स्टक समझते हैं ठीक है थीके? जो भी सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को स्टक समझ रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे लेकिन यहाँ पर कुछ थर्ड फैक्टर है कोई थर्ड पार्टी है किसी की मदर है किसी की यहाँ पर फाइनेंशियल इशू है किसी की यहाँ पर थर्ड पार्टी है किसी की यहाँ पर लाइफ में कोई और पर्सन है मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो थर्ड फैक्टर है आप दोनों के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन जो अभी ब्रेक हुई हुई है किसी तो थर्ड पार्टी की वजह से हुई हुई है ठीक है आपके पर्सन कन्फ्यूज हैं क्योंकि जो इंसान जब गलती करता है उसको पता होता है उसकी गलती क्या है ठीक है

इंटरनेट uh, के थ्रू एक ऑनलाइन डेटिंग करना ऑनलाइन कम्युनिकेट करना ये इस पर्सन का इस तरीके से माइंड है लेकिन ये आपसे बात करना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे ठीक है आपके कनेक्शन में कोई ना कोई थर्ड पर्सन है कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोग रिलेशनशिप इस वक्त डिस्टेंस पे है ख़राब है ठीक है कोई टॉक्सिक एनर्जी है अब टॉक्सिक एनर्जी किसी की थर्ड पार्टी देखें किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है कोई और ठीक है एक डबल डेटिंग कर रहा हो ये इंसान या तो यहाँ पर कोई आ, काम हो सकता है कैरियर हो सकता है जो भी जो टॉक्सिसिटी दिखाता है वैसे यहाँ पर ज़्यादातर नाइन्टी परसेंट लोगों के लिए कोई थर्ड फैक्टर है कोई थर्ड फीमेल है या थर्ड मेल है ठीक है जिसकी वजह से यहाँ पर कनेक्शन आप लोग की नो no कम्युनिकेशन हुई है आप लोग की कम्युनिकेशन जो ब्रेक हुई है किसी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन की वजह से हुई है ठीक है ये पर्सन बात करना चाह रहा है लेकिन खुद से इस पर्सन का जैसे एक अपनी तरफ से आपको मैसेज नहीं कर पा रहा बहुत बर्डन सम है इस पर्सन को पता है इसकी गलती है ये जानता है कि इसने मिस्टेक करी है इस पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन फील हो रहा है इस पर्सन को ठीक है स्ट्रेस में है खुश नहीं है समझ समझे कि खुश बात नहीं हो रही तो ये आपसे कि ये चुल्ह है इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको प्रॉब्लम हो रही है बर्डन फील कर रहा है लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा आपको दूर से बैठकर देख रहा है ठीक है ऑब्जर्व कर रहा है हार्ट ब्रोकन एनर्जी है हर्ट है ये पर्सन जानता है आप भी हर्ट ही होंगे मतलब कि एक कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक जरूर कर रहा है कहीं ना कहीं से देख जरूर रहा है लेकिन थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी फिर यहाँ पर इंडिकेशन है किसी थर्ड पार्टी की आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की जिसकी वजह से ये पर्सन भी सफर करता है और आपको भी सफर कराता है ठीक है मतलब कि इस बात का एहसास भी हो जाता है ये बात नहीं है इस पर्सन का एहसास

कोई या तो इस को खुद एक गाइडेंस मिले या तो कोई इसको है या तो बता रहा है या तो इसको खुद समझ में आ रहा है जिस तरीके से रिश्ता चल रहा है एक ना एक दिन ये कम्पलीटली खत्म हो जाएगा ठीक है कब तक ये नो no कांटेक्ट आप लोगों का इसी तरीके से कोई पर्सन आ गया रिलेशनशिप खराब हो गया कोई प्रॉब्लम आ गया आपका रिलेशनशिप खराब हो गया क्योंकि बर्डन ये भी फील कर रहा है इस चीज़ का इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि ये स्टकनेस इस, इस रिश्ते को एक ना एक दिन खत्म करा देगी आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं स्लीपलेस नाइट है ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन चाहकर भी नहीं ले पा रहा क्योंकि कोई मिस्टेक ऐसी है जो इस पर्सन ने की है और उसको बहुत अच्छे से पता है अगर इसने खुद से अप्रोच करी तो गलत होगा अगर आप अप्रोच करेंगे तो इट मीन मामला समझ जाएगा ठीक है मामले में इतनी इतनी नेगेटिविटी नहीं होगी ये पर्सन द फूल कह रहे हैं ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप जीरो से दोबारा स्टार्ट कर लें मतलब कि आप दोबारा यहाँ पर इस पर्सन की तरफ रिस्क टेकिंग करें मिस कर रहा है ये पर्सन आपको असल में ठीक है ये पास की चीजों को सोच रहा है जो भी इस, इसने जो भी अभी किया जो भी यहाँ पर थर्ड फैक्टर बना इस पर्सन को पता है ये गलत एक एक नेगेटिविटी की है इसने आपके साथ एक गलत बिहेवियर रखा है या तो इसने किसी और को आपके साथ डेट कराया आपके साथ साथ किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आया ठीक है इसने गलती की

चाह भी रहा है कि आप आ जाए आपसे बात हो जाए लेकिन वो जो वो नहीं था जैसे एक थोड़ा सा इमेचोर पर्सन होता है इम में कर तो जाता है लेकिन फिर एहसास होता है गलती कर दी ठीक है आपके पर्सन की इंटेंशन है कम्युनिकेट करने के आपके साथ दोबारा कम्युनिकेशन को एक मतलब के दोबारा रिकनेक्ट होने के आपके साथ कम्युनिकेट करने के चीज़ों को सॉल्व करने के ये पर्सन इस रिश्ते को दोबारा सॉल्व करना चाह रहा है इस रिश्ते में दोबारा कम्युनिकेट करना चाह रहा है कोई है इसको एडवाइस दे रहा है किसी की एडवाइस बहुत गौर से सुन रहा है और अपने आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है इस पर्सन को मतलब के थोड़ी सी एक रिग्रेट वाली फीलिंग्स है ये पर्सन ने कोई गलती करी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है दी लवर hmm. यहाँ पर दी uh, लवर की एनर्जी है अलग अच्छी देखते हैं भाई आपको इस पर्सन का मैसेज और टेक्स्ट बहुत जल्द इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक रिसीव हो सकता है क्योंकि एक इमोशनल लॉस की एनर्जी है ये अच्छा फील नहीं कर रहा ठीक है uh, मतलब कि फीलिंग्स अच्छी नहीं है इमोशनली डिस्टर्ब है इमोशनली uh, एक मिसिंग एनर्जी है मिस कर रहा है लवर की एनर्जी है आपके साथ दोबारा न्यू स्टार्ट दोबारा मैसेज और टेक्स्टिंग हो सकती है फाइव डेज में हो सकती है वन वीक में हो सकती है अभी भी कोई मतलब कि अभी भी मतलब कि इसको अभी भी यहाँ पर पोटेंशियल है बात कर सकता है चाहे तो स्ट्रेंथ गैदर करे बस इसको फेस नहीं करे जाएगा ठीक है ये वो वाली एनर्जी है uh, आपसे मैरिज भी करना चाहता है आपके साथ स्टेबिलिटी भी देखता है ठीक है लेकिन बस एक मेच्योर काइंड एनर्जी नहीं होती है जैसे अपनी गलती का एहसास हो जाना फिर एक अपना वही ड्रीम सजाना मतलब कि फिर आपको मिस कर रहा है फिर आपके साथ फैमिली ड्रीम देख रहा है स्टेबिलिटी के ड्रीम देख रहा है सक्सेसफुल फैमिली लाइफ देख रहा है ठीक है होल्ड uh, बैक कर रहा है अपने आप को उसने होल्ड बैक करके रखा हुआ है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप होल्ड कर रहे हैं आप यहाँ पर यह आपकी राह देख रहे हो और आपने खुद को कंट्रोल करके होल्ड करके रखा हुआ है ये पर्सन जानता है आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आप इसको छोड़ के तो नहीं कर जा रहे लेकिन ये आपका वेट करा आपने खुद को होल्ड करके रखा हुआ है अपने पैशन को अपनी फीलिंग्स को जो अपने अंदर जो इनर बीस्ट है ना आपने उसको कंट्रोल करा हुआ है अपने हाथों में आपने उसको लिया हुआ है जबकि यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रेस में है स्लीपलेस नाइट है टेंशन ले रहा है ठीक है इसको टेंशन हो रही है कि अब तक आपने मैसेज

टेंशन ले रहा है लेकिन आपने खुद को होल्ड करके कंट्रोल करके रखा हुआ है ये पर्सन आपका कॉन्फिडेंट और कंट्रोल भी देख रहा है कि आपने खुद को कंट्रोल कर लिया अब आप एक्शन नहीं लेते इस पर्सन की तरफ अब आप इस पर्सन की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे अपनी गलती जब रियलाइज कर रहा है तो एक्शन यूं नहीं लिया जा रहा है इस पर्सन को कि शायद ये गलती बहुत बार कर चुका है ठीक है या ये गलती इस तरीके की करता रहता है आपसे मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है ये पर्सन जानता है आप कमिटमेंट और मैरिज के लिए एक स्टेबिलिटी लिए एक परफेक्ट पार्टनर है एक परफेक्ट स्पाउस है Hmm. आप छोड़ के चले गए हैं आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से इस पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है भाई ये बेसब्री से इंतजार कर रहा है आपका ठीक है यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ दोबारा कम्युनिकेट करना दोबारा ये चाहता है कि जब मतलब कि इसका ध्यान ऐसा है कि आप आप यहाँ पर एक स्टेबल कमिटेड एक मतलब के ऐसे पर्सन है जिसको ये स्टेबिलिटी के लिए देखता है इन मतलब कि फ्यूचर में आपके साथ मैरिज कमिटमेंट फैमिली ये प्लान कर सकता है आप डिस्टेंस पे हैं बस ये एक चीज़ की देर कर रहा है कि आप बस यहाँ पर एक्शन लें इसको कोई मैसेज कर दें इससे कोई बात करने की कोशिश कर लें लेकिन एनर्जेटिकली पर्सन देख रहा है थोड़ा सा एग्रेसिव हुए हुए डिफेंसिव हो रहे हैं ठीक है सेकेंड चांस hmm, आपके पार्टनर चाह रहे हैं पास की चीज़ों को छोड़ दें अपने गुस्से को ख़त्म करें रेजिस्ट करना बंद करें इस रिश्ते को या तो कन्वर्जेशन को या तो आप लोग की बीच जो भी चल रहा है उस चीज़ से बाहर निकलें पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें ठीक है आपके पास ये इस पर्सन को ये भी हो रहा है कि अगर ये पर्सन आपको मैसेज करे और यहाँ पर फाइट हो जाएगी आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो जाएगा फाइव ऑफ फेंट्स की एनर्जी है तो इसीलिए लिए पर्सन क्या कर रहा है वेट कर रहा है सब कुछ समझ रहा है अपनी गलती को अंडरस्टैंड कर रहा है हरमिट की एनर्जी में काफी ज्यादा बुझा बुझा सा हो गया है आजकल मतलब कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में नहीं है वही वाली एक प्लेइंग एनर्जी में नहीं है ठीक है कन्फ्यूज है ठीक है कन्फ्यूजन इस पर्सन के माइंड में चल रही है स्ट्रॉन्गली uh, बहुत ज्यादा जगल कर रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें ठीक है थेके? क्योंकि आपको देखते हुए खुद भी खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है कि ऐसा ना हो बहुत बुरी हो जाए इस पर्सन की ठीक है खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आने से क्योंकि जगलिंग एनर्जी है खामोश हो गया है थोड़ी सी एक बुझी बुझी सी एनर्जी है कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपके साथ दोबारा कनेक्ट तो होना चाह रहा है लेकिन ये चाह रहा है कि आप पास्ट को भूल जाएं इस पर्सन को एक सेकंड चांस देते हैं इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहा है मतलब कि फीलिंग्स रखता है और हार्ड वर्क करना चाह रहा है ये चाह रहा है इस रिश्ते को स्टेबल करे बैलेंस करे और मजबूत बनाए ठीक है लेकिन आप यहाँ मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर अगर पे है टेम्परेंस आप बैलेंस हो जाए आपकी थोड़ी सी फीलिंग्स आप थोड़ा सा ईजी हो जाए मूवमेंट कर ले आपकी तरफ एक्शन ले ले मिसिंग एनर्जी है पिक्चर्स देख रहा है या तो आपकी कोई मेमरी आपकी कोई क्लिप्स या तो आपके कोई वॉइस नोट हैं कुछ इसके पास ये पर्सन वो सुन रहा है इस वक्त ठीक है इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी डेस्टिनी का हिस्सा हैं तो यहाँ पर ये सिचुएशन इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक डेस्टिनी पर्सन की रूल करती है तो ये बात ये person जानता है भाई कम्युनिकेशन करेगा ये ठीक है इसको करनी पड़ेगी communication करेगा आपको balance होने का वेट कर रहा है Single है वर्क एरिया है, पे बहुत ज्यादा बिजी रहता है बहुत ज्यादा ये आपको ये दिखा रहा है मैं भी बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसलिए बात नहीं कर रहा है Seven of swords and of swords. इसको पता है आप इसके मतलब के अगर बात हो गई इसकी गलती थी और आपने गलती पकड़ ली है तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं ठीक है मतलब के बहुत ज्यादा और लड़ाई झगड़ा आप लोग के रिलेशनशिप में हो जाएगा आ, आपको क्लियर कट पता है जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है जो भी इस पर्सन ने किया है जिसको भी डेट किया है जिसके साथ भी कनेक्टेड था या जिसके साथ भी यहाँ पर ये रहा है तो आप उस पर्सन को जानते हैं ठीक है थीके? या तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी पता है इस एक ब्लाइंड फोल्डेट है इसको नहीं समझ में आ रहा बात तो करना चाह रहा है कैसे करे थोड़ा सा आप बैलेंस हो जाएंगे तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा ये सब कब की एनर्जी है ठीक है कील कर लेगा आपको ठीक है ये पर्सन जानता है आपको मना लेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम ताकि आपका जो ये एक एग्रेसिव एनर्जी है ना आपकी ये कम हो जाए थोड़ी सी थोड़ी सी आप ए, इस एनर्जी से बाहर आ जाएं फिर चीजें रिजॉल्व हो जाएं आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन इंटेंशन रखता है चीज़ें रिजॉल्व करेगा सॉल्व भी करेगा ये बस सोच रहा है कि थोड़ा सा आप बैलेंस हो जाए आप आप भी थोड़ी सी हीलिंग की तरफ जाए ये सेपरेशन को हीलिंग की तरह रहें और ये पर्सन भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करे सिचुएशन को कि ये क्यों ऐसा कर रहा है क्योंकि इसको कोई गाइड कर रहा है जो कर रहे हो वो फ्यूचर के लिए गलत है यहाँ पर फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकते फिर तुम ठीक है क्योंकि ये चीज़ें फ्यूचर के फ्यूचर पे असर करेंगी अभी कुछ नहीं कर रही हैं। अभी चीज़ें शायद सही हो जाती हैं वापस लेकिन अगर मैरिज और कमिटमेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं तो फ्यूचर पे ऐसा रहे इन सब चीज़ों का इस बात को माइंड में रखना ठीक है तो इस पर्सन को गाइडेंस मिल रही है तो ये एक सेपरेशन जो टाइम है हीलिंग का टाइम है ठीक है एक फस्ट्रेशन एक बहुत समझना ना एक दूसरे को मतलब कि कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ जाना रिश्ते में एक आ, एक जैसे एक सेपरेशन आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा चलता है आप लोग टाइम टू टाइम ऐसे सेपरेटेड हो जाते हैं ताकि एक गैप आ जाता है एक स्पेस आ जाता है तो एक दोबारा स्टार्ट करने के लिए स्पेस और गैप जरूरी होता है आप दोनों के बीच ठीक है आपके पार्टनर के इंटेंशन लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों इस वक्त जो है ना कोल्ड वॉर में है स्टॉक ठीक है वो बोल रहा है मैं नहीं करूंगा मैसेज वो बोल रही है मैं नहीं करूंगा मैसेज मतलब कि एक कोल्ड वॉर चल रही है यहाँ पर क्योंकि एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कोई भी अपनी कोई भी एक मैसेज कर देगा ना उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ जाएगी ठीक है चाहे जिसकी गलती है वो भी यहाँ पर ये पर्सन आपको चाहे दिखाई ही रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड और मैं भी इस सिचुएशन से निकल के जा रहा हूँ क्योंकि इस पर्सन को पता है आप सुधर नहीं रहे आपको कैसे ये मोम करे आपको कैसे ये थोड़ा सा ईजी करे इसको समझ में नहीं आ रहा ठीक है आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप के लिए ठीक है आप दोनों ब्लाइंड फोल्डेड हैं आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें ठीक है एक सेपरेशन पीरियड है आप दोनों के बीच या तो आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर ब्रेक है भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे जो भी सिचुएशन हुई है आप लोग के बीच उस चीज को लेकर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे ठीक है इंटेंशन क्या है इस पर्सन के स्नो कॉन्टेक्ट में विजडम भाई मैं आपको वही बात मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगी विजडम मतलब कि एडवाइस कोई ग्रु है कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल टीचर है कोई मैंटोर है कोई फ्रेंड है आप दोनों के पास कोई ना कोई है सुने ठीक है समझें अंडरस्टैंड करें ये आपकी भलाई के लिए जवाब आते हैं विजडम वहाँ पे भी विजडम का काटता है यहाँ पर डिओलिटी देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं आप भी ड्यूलिटी में आ जाते हैं ठीक है अगर आपके पर्सन कोई ड्यूलिटी अनादानी करते हैं तो आप उससे भी ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में आ जाते हैं आप खुद उससे भी ज्यादा एक स्ट्रेस और नेगेटिव जोन में चले जाते हैं तो आपको विजडम आपको विजडम से काम लेना है आपके अंदर एक नॉलेज है आपके अंदर एक इंट्यूशन है उसको अंडरस्टैंड करें इस ड्यूलिटी से बाहर निकले दोनों एक दूसरे को इस वक्त मिरर कर रहे हैं आप लोग ठीक है हार्मेनी योर एनर्जी देखिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करें आप भी स्ट्रेस में सामने वाला पर्सन भी स्ट्रेस में है क्योंकि दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए ठीक है लेकिन एक दूसरे के साथ आने के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है चीजें बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होती होती होते होते हैं होती हैं थोड़ा सा टाइम लगता है इमोशनल 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 रिलीज पर लाएं अपने बैलेंस में इमोशनली कुछ आपके अंदर मतलब जो मतलब जैसे तो आपकी जात पे इस कनेक्शन पे जैसे एक पोजिस इमोशंस रखना ठीक है तो उससे, उसको हील करें. हीलिंग एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में हीलिंग का बहुत ज़्यादा मैंने कहा हीलिंग का फैक्टर है परसप्शन uh, परसेप्शन बदलने की जरूरत है जो ड्यूलिटी वाली एनर्जी ना आपके पार्टनर में भी और आप में भी आई डोंट नो आपके पार्टनर में कैसी है लेकिन आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं ठीक है डुअल माइंडेड हो जाते हैं चाहे आपके पर्सन डबल डेटिंग करते हैं आप डुएल माइंडेड हो जाते हैं या आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो रिफ्लेक्ट करता है वो आप दोनों जाने आप लोग किस तरीके से एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं ठीक है इट्स ऑल गुड चीजें सब ठीक हैं थोड़ा सा परसेप्शन बदलने की जरूरत है रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा इंटेंशन प्योर है यहाँ पर टीचिंग आप लोग को लर्निंग की जरूरत है ठीक है यहाँ पर लर्निंग की जरूरत है ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की आपके पर्सन के बारे में रिट्रीट ये पर्सन रीट्रीट करेगा दोबारा ठीक है आपके साथ दोबारा जुड़ेगा लेकिन ग्रोथ के साथ ठीक है यहाँ पर आ, ओवल मतलब कि यहाँ पर आपको इंट्यूशन गाइडेंस तो तो आपके सामने है इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है आपको विजडम आपको जैसे एक विजडम यहाँ पे एक टीचर टीचिंग की एनर्जी कुछ सीखना जरूरी है बार बार आपको कहा जा रहा है कुछ सीखना जरूरी है फेमिलाइन एनर्जी यहाँ पर जो भी फेमिलाइन एनर्जी है वो अपनी मैस्कलाइन एनर्जी को बैलेंस करे ठीक है हद से ज्यादा ना फेमिलाइन एनर्जी में जाए ना मैक्सुलाइन एनर्जी में जाए अपने आपको बैलेंस अपनी लाइफ को बैलेंस रखना जरूरी है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए कहीं नहीं जा रहा ये रिश्ता एक जो आप लोग की हीलिंग का टाइम है हीलिंग फेज है ठीक है खुद को हील करें अंडरस्टैंड करें आप एस कप की एनर्जी थी एक हीलिंग पीरियड है आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी जब भी सेपरेशन आता है बहुत कुछ आपको जैसे वाज कर कर जाता है सामने वाले की अहमियत सामने वाले का लाइफ में होना सामने वाले की आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट ठीक है आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट सब क्लियर करके जाता है तो कभी कभी सेपरेशन और नो no कॉन्टैक्ट जरूरी होता है एक क्लैरिटी के लिए एक क्लियर विजन के लिए ठीक है इस को पर रिडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक मत भूलना और चैनल को फॉलो करें थैंक यू